हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल भगवती यूनिक क्लासेस में स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम बैक इन माय चैनल भगवती यूनिक क्लासेस। और बच्चों, आज हम चैप्टर टू पॉलीनोमियल्स के बारे में आप सभी लोगों को बताएंगे। पॉलीनोमियल्स क्या होता है, व्हाट इज पॉलीनोमियल्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल्स, और इस चैप्टर में हम पॉलीनोमियल्स से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा टू है, चैप्टर नंबर टू पॉलीनोमियल्स। पॉली मीन्स होता है पॉली, नोमियल्स इसका मतलब होता है मेनी, और इसका मतलब होता है टर्म्स। समझ गए होंगे, जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं वही हमारा पॉलीनोमियल्स होता है, मोर देन टू टर्म्स। तो इससे पहले चैप्टर में, इससे पहले क्लासों में भी, अर्लियर क्लासों में आपने लाइनर इक्वेशंस पढ़े हैं, वन वेरिएबल का, टू वेरिएबल का। तो टू वेरिएबल आप टेंथ नाइन्थ क्लास में आप पढ़ेंगे, नाइन्थ एट्थ क्लास तक आपने सिंगल वेरिएबल्स का लीनियर प्रोग्राम का लीनियर इक्वेशंस को आपने पढ़ा है। तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम एंड लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज पॉलीनोमियल्स। मोर देन टू टर्म्स आर कॉल्ड पॉलीनोमियल्स। अभी यह है टाइप्स, टाइप्स में है एक तो पहला लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक और तीसरा क्यूबिक पॉलीनोमियल। यह इंट्रोडक्शन है। समझ गए होंगे, ये हमारे लीनियर पॉलीनोमियल्स में है, जिसे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक में जो है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको क्वाड्रेटिक हो गया। क्यूबिक में है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक। यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री जो है 3 है, यहाँ हाईएस्ट डिग्री 2 है और लीनियर में हाईएस्ट डिग्री 1 है। तो हम यहाँ पर ये जो हमारे होते हैं ये कोफिशियंट होते हैं, यहाँ पर ये कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट होते हैं, ये सिंगल वेरिएबल है और आल इज वन वेरिएबल पॉलीनोमियल्स। समझिए, ये आपकी जो होती है ये पावर होती है ये और इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट, इसको पावर भी बोलते हैं। आप समझ गए होंगे। तो क्वाड्रेटिक हो क्यूबिक हो, किस जिसमें सेम लेटर्स होंगे वो वन वेरिएबल का हो गया, और ये इसको हम पावर बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, इसको डिग्री भी बोलते हैं, इसको हम डिग्री हाईएस्ट पावर को बोलते हैं। हाईएस्ट पावर जो होती है वो डिग्री होती है, जैसे इसकी डिग्री 3 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 1 होगी। तो इसमें आपने समझ लिया कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा वो हमारा पॉलीनोमियल्स होगा।
और वो चाहे सिंगल पॉलिनोमियल्स हो, सिंगल लीनियर पॉलिनोमियल्स या क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, वन वेरिएबल के सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं और द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो। तो हम अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बताएंगे तो ये आप समझ गए होंगे, और अब हम एग्जांपल्स करेंगे। तो एग्जांपल में ये हमने एग्जाम ये बता दिया, ये आपकी डिग्री है, ये हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं, ये सारे को हम पावर बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, ये हमारे कोफिशिएंट होते हैं और ये कांस्टेंट, और थ्री टाइप्स का पॉलिनोमियल है, मोर देन भी होता है लेकिन आपको थ्री से मतलब है। तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब हम नाउ वी विल डू एग्जांपल। एग्जाम्पल वन, ठीक है, इसमें थ्री पार्ट है, पहला है, दूसरा है और ये तीसरा है, ठीक है। ये है x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3, इसमें है 2 माइनस y की पावर 2 माइनस y की पावर 3 प्लस 2 y की पावर 8 और ये है 2। चलिए अब इसमें देखें, इसमें आप यू कैन सी हियर, इसकी पावर 5 है, ये 4 है, यहाँ पर x की है लेकिन इसकी पावर क्या है, 0 है। तो हाईएस्ट पावर इज 5, सो डिग्री इज 5, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा हाईएस्ट पावर इज 5, सो डिग्री इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये 5 हो गया। सेम इसमें हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 8, सो डिग्री इज इक्वल टू 8, और इसमें हाईएस्ट पावर इज 0, सो डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो गया। बस इसमें आपको इस क्वेश्चन में यही फाइंड करना था और कुछ नहीं करना था। और अब हम इन दिस चैप्टर वी विल फाइंड व्हिच इज सिंगल पॉलिनोमियल आर वन वेरिएबल आर नॉट वन वेरिएबल। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज नंबर 2.1 एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1, ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चंस दिए हैं, पहला दूसरा, पहला है 4x² - 3x + 7, दूसरा है y² + √2, तीसरा है 3√t + √2, 4y + 2i v x power 10 y power 3 t की power 50। ये आपका क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पेंस आर पॉलिनोमियल्स, कौन सा पॉलिनोमियल्स है इन वन वेरिएबल एंड व्हिच आर नॉट, कौन सा वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिंगल लेटर x है, इसलिए वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल्स है, और यहाँ पर भी वन वेरिएबल का है, यहाँ पर यहाँ वाई वाई है, ये वन वेरिएबल है, लेकिन यहाँ एक्स वाई थी, तीनों डिफरेंट वेरिएबल है, इसलिए ये आपका सिंगल वेरिएबल का पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सिंगल वेरिएबल है, तो
तो ये क्या है? इट इज वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। और ये क्या है? ये भी सेम है, क्योंकि यहाँ पर केवल सिंगल वाई है, यहाँ पर जो है ये पावर टी में है, और टी की पावर वन अपॉन ये रूट में है, और हमारा जो क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या लीनियर होगा वो रूट में नहीं होगा। तो ये नहीं है, क्योंकि इसका जो है टी इज अंडर रूट में है, इट इज नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ वाई स्क्वायर अपन ये फ्रैक्शन में आएगा, ये वाई हो जाएगा, अगर ये होगा तो ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस टू अपन वाई, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल में नहीं है। समझ गए बच्चों? ये भी हमारा पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है, और ये नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पर थ्री वेरिएबल है। तो इट इज थ्री वेरिएबल पॉलिनोमियल, ओके। बस इसमें, इस क्वेश्चन में यही फाइंड करना था। इसकी पावर जो है, इसका रीजन है, पावर ऑफ टी इज नॉट इन इंटीजर, इसकी इंटीजर में नहीं, क्योंकि इसकी पावर जो बनेगी ये कनॉट होगा, तो ये थ्री टी की पावर वन बाई थ्री हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर भी यही नहीं है, इसका भी रीजन यही होगा, सेम रीजन, क्योंकि यहाँ पावर टू है, ये अपन डिवाइड कर देगा तो ये वन होगा, ये टू अपन वाई माइनस पावर में आ जाएगा, निगेटिव होगा, तो यहाँ निगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। या इज नॉट इन होल नंबर, ठीक है, बस हो गया। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर वन था, और इस क्वेश्चन में यही फाइंड करना था। नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर वन आप समझ के, क्वेश्चन नंबर टू, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच, इसमें सारे कोफिशिएंट आपको बताने हैं। क्वेश्चन है आपका टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें है टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यह है पाई बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यह है रूट टू एक्स माइनस वन। यहाँ पर आप देखें, इसमें है राइट द कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पर कोफिशियंट इसका टू कितना होगा? वन, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो मल्टीप्लीकेशन है वो वन है, इसलिए इसका कोफिशियंट वन होगा। इसका कोफिशियंट यहाँ पर लिखो ऑफ एक्स स्क्वायर इजकल टू वन, इजकल टू माइनस वन, यहाँ पर माइनस वन है, यहाँ पर माइनस, इसमें है पाई बाई टू, ठीक है, और यहाँ पर
कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो इसलिए इसका हो जाएगा जीरो। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थ्री, इसमें कह रहा है गिव एग्जांपल ऑफ डिग्री ऑफ डिग्री 35 ऑफ बाइनोमियल एंड डिग्री 100 मोनोमियल्स। तो ये इसका सोल्यूशन होगा, वी कैन राइट। यहाँ पर बाई मीन्स टू टर्म्स होना चाहिए, टू टर्म्स के लिए वी कैन राइट एक्स प्लस, अब पावर कितनी है 35, तो वी कैन राइट 35 इंटू एनी कोई नंबर आप यहाँ टेक कर सकते हैं, 10, 2, एनी नंबर यू कैन राइट। यू कैन राइट रिप्लेस एक्स, राइट वाई, जेड, एनी थिंग्स। ये हो गया, सपोज मान लो ये 100 है, 10 है, और ये सेकंड का y इज इक्वल टू 100, बस ये हो गया बाई, और ये हो गया मोनोमियल, मोनोमियल्स, ये बाइनोमियल्स है। ठीक। तो ये आप क्वेश्चन है, इस तरह से एग्जांपल ये सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, और जिसको आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। इसमें राइट डिग्री द डिग्री यहां क्लासिफाई करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ओके सेवंथ तक है, फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ। ठीक। तो क्वेश्चन आप यहाँ राइट करें, इसमें भी चार है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें आए 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x 4 माइनस y² 5t माइनस रूट 7, और यहाँ पर है 3। इसमें डिग्री सबकी फाइंड करना है, और इस क्वेश्चन में आपको क्लासिफाई करना है, x² प्लस x माइनस x³ y प्लस y² प्लस 4, ये हो गया आपका 1 प्लस x, ये हो गया 3t, ये हो गया r² 7x³। ओके। नाउ वी क्लासिफाई डिग्री, हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर जो है आपकी इसमें 3 है, ये 3 है, तो डिग्री बराबर क्या हो गई, डिग्री इक्वल टू 3। इसमें हाईएस्ट पावर, इक्वल टू 2, तो डिग्री क्या हो जाएगी 2। ओके। यहाँ टी का पावर 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री, सॉरी पावर इक्वल टू 1, तो डिग्री हो जाएगी 1। इसमें हाईएस्ट पावर 0 है, इक्वल टू 0, तो डिग्री भी आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टी नहीं है, एक्स नहीं है, वाई नहीं है, यहाँ पर टी है तो इसकी पावर 1 है, जब कुछ नहीं होता तो पावर 1 होता है, जब टी नहीं है तो इसकी पावर हम कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स की पावर 0,
या 3 × x^0 इस तरह। तो इस एक्स जीरो मतलब वन होता है और 3 × 1 = 3, सो डिग्री इज इक्वल टू 3। नाउ यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, ये है हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 2, तो ये क्या हो गया, सो इट इज क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, ओके, ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, समझ गए बच्चों, ये भी क्वाड्रेटिक है पॉलिनोमियल्स, ये लीनियर पॉलिनोमियल्स है पॉलिनोमियल्स, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल्स है, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, और ये क्यूबिक है पॉलिनोमियल्स। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द आंसर।